फिल्म इंडस्ट्री 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕੀ ਰਾਤ ਗਾਣੇ ਨਾਲ ਸੁਰਖੀਆਂ ਚਾਈ ਅਦਾਕਾਰਾ ਤਮੰਨਾ ਪਾਟਿਆ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਦੀਪ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਐਪ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਫਿਲਮ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਯਾਨੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤਮੰਨਾ ਪਾਟਿਆ ਤੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਐਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। अभिनेत्री हाल ही दे विच फिल्म इस्त्री 2 दे कारण सुर्खियां च रही है, जिस विच उन्हां दा गीत आज की रात ट्रेंड कर रहा है। ईडी ने तमन्ना पाटिया नू महादेव बैटिंग ऐप घोटाले दे विच पुछगिछ लई सद्या सी। तमन्ना करीब 1:30 बजे गुवाहाटी स्थित ईडी दफ्तर च पहुंचे अते इस दौरान उन्हां दी मां वी उन्हां दे नाल मौजूद रहे ने। इस ऐप राही लोकां नू 57,000 रुपए दे निवेश दे लई 4,000 रुपए प्रति दिन देन दा वादा करके करोड़ा रुपए की ठगी मारी गई है। धोखाधड़ी करने लई वख-वख बैंकां च शैल कंपनियां दे नां ते फर्जी खाते भी खोले गए, जिन्हां दे विच निवेशकां तों पैसे ट्रांसफर करवाए गए ने। महादेव ऐप दे कुछ सितारे महादेव बैटिंग ऐप नाल भी जुड़े हुए ने। अभिनेत्री ने कथित तौर ते फेयर प्ले सट्टेबाजी ऐप ते इंडियन प्रीमियम लीग मैच देखने का प्रचार किया। तमन्ना ते महादेव ऑनलाइन गेमिंग अते सट्टेबाजी एप्लीकेशन दी सहायक ऐप ते आईपीएल मैचा नू गैर कानूनी तौर ते देखन नू उत्साहित करन दा दोष है। ईडी ने इस संबंध विच समन जारी किया। फेयर प्ले एक सट्टेबाजी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है जो वख-वख खेडां ते मनोरंजन राही जुए नू उत्साहित करदा है ते इह महादेव ऑनलाइन गेमिंग ऐप दी इक सहायक एप्लीकेशन है जो कि वख-वख लाइव गेमां जिवें कि क्रिकेट, पोकर, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, कार्ड गेमां दे विच गैर कानूनी सट्टेबाजी लई इक प्लेटफॉर्म प्रदान करदी है। इसे ऐप दी ही प्रमोशन दे लई तमन्ना पाटिया ते हुन ईडी दे वल्लों नजर रखी जा रही है, क्योंकि तमन्ना पाटिया दे वल्लों भी इस महादेव बैटिंग ऐप नू प्रमोट किया गया सी, जिस लई पुछ पड़ताल हुई है।